जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 8 जून की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है, 8th ऑफ जून हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। सो लेट्स सी 8th ऑफ जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है 8 जून 2023 को। ओके, वी हैव ऑलरेडी हैव सम कार्ड्स, सो लेट्स सी। 2 सेट में कार्ड्स आए हैं बाय द वे, तो 8 जून 2023। और अब देख लेते हैं भारत के लिए कैसी रहने वाली है 8 जून की एनर्जी। तो 8 जून 2023 भारत के लिए, 8 जून 2023 भारत के लिए कैसा रहने वाला है, भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए 8 जून 2023 कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलेगा 8 जून 2023। ओके, सब ठीक है। सिंग वन मोर, सो विश्व के लिए 8 जून 2023 कैसा रहने वाला है, दुनिया के लिए। ओके, और 8 जून की जो गाइडेंस है वो क्या है, हमारे क्या करना है, क्या नहीं करना है 8 जून की गाइडेंस। ओके, सो 8 जून की एनर्जीज, तो देखते हैं कि 8 जून की एनर्जीज जो हैं वो क्या लेकर आने वाली हैं। और ये 2 सेट में कार्ड्स आए हैं, मैं 2 सेट में ही पढ़ती हूँ। तो पहला कार्ड जो है 8 ऑफ फायर का है, 8 ऑफ फायर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, ट्रैवल की एनर्जी होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है। तो मुझे एक ट्रैवल, दूसरा बहुत सारी कम्युनिकेशन आना, बहुत सारी मूवमेंट होना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पांडा है, अगर आप देखें तो पांडा जो है उसके ऊपर एक फीमेल, एक लेडी बैठी हुई है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कार्ड की इंडिकेशन दे रही है। पांडा बहुत क्यूट होता है, लेकिन पांडा बहुत पावरफुल भी होता है। और यू कैन सी लॉट ऑफ गोल्ड उसकी गोद में, एंड यू कैन सी मल्टीपल लाइट्स जो ऊपर हैं, बैम्बूज़ हैं यहाँ पर और मल्टीपल लाइट्स हैं, और वो जंगल में या बैम्बूज़ के बीच में जा रही है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। और द एनर्जी इज जहाँ पर बहुत सारी रोशनी और मूवमेंट, बहुत सारी एनर्जी जो है आपके आसपास रहेगी। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ट्रैवल करें नेचर के किसी चीज़ के आसपास, या बहुत सारे यूनिक और डिफरेंट कम्युनिकेशन जो हैं आपकी तरफ आएँ। दूसरा एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ फायर है। 9 ऑफ फायर जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है जब आप किसी चीज़ को कंप्लीट करने के एक स्टेप पीछे होते हो और आपको वो एक स्टेप लेना होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टार्स हैं, और उन स्टार्स में से एक फेरी जो है वो बाहर निकल रही है, और एक यहाँ पर फेरी है और यहाँ पर है, यहाँ पर है। यू कैन सी सो मैनी फेरीज अराउंड, सो एनर्जी ऑफ क्रिएशन, सो यू क्रिएटिंग समथिंग। और उस क्रिएशन में डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी वो आपको किसी न किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, किसी न किसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए हेल्प करेगी। और लास्ट जो है यहाँ पर 4 ऑफ वाटर्स का कार्ड है। 4 ऑफ वाटर्स जो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी होता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कई बार डिसअपॉइंटमेंट बताती है, या कई बार ये एनर्जी बताती है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है, जबकि वो बिल्कुल आपके आसपास होता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा मोती इसके हाथ में है, इफ़ यू सी, एंड अराउंड और ज़्यादा मोती जो है निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 4th ऑफ जून कोई ऐसी 8th ऑफ जून कोई ऐसी कम्युनिकेशन, 4 बोला तो 4 और 8 की एनर्जी है बाय द वे, सो कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई ऐसी एनर्जी आ सकती है जहाँ पर डेफिनेटली आपको आगे एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। जो दूसरे बाकी के कार्ड्स हैं यहाँ पर 5 ऑफ फायर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी स्ट्रगल की एनर्जी होती है। आई सी लॉट ऑफ फायर एनर्जी, पैशन, पावर, इनर एबिलिटीज़, एनर्जीज़ का बहुत हाई रहना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी एनर्जीज़ कैरी करती है ये एनर्जी 5 ऑफ फायर। ध्यान रखना है झगड़े में नहीं पड़ना है, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। और लास्ट जो है हर्मिट है, और हर्मिट का आप अगर देखेंगे तो दरवाज़ा बंद है अभी, बट वो बंद दरवाजे में से भी आपको हर्मिट का फेस जो है वो दिखाई दे रहा है, और कीज़ जो है वो सामने है। 3 ऑप्शंस हैं, आपको देखना है कि कौन सी की लगेगी। और मे बी 3 नहीं, एक्चुअली देर आर 1 2 3 4 5 ऑप्शंस, 5 कीज़ हैं और एक ही की होल है। तो आपको देखना है कौन सी की लगेगी। और जिस बाय द वे आपके पास भी 5 चांसेस हैं, सो इफ़ यू सी
फाइव फॉर फायर, तो आपके पास फाइव चांसेस हैं, फाइव कीज़ हैं. दिस इज़ डेफिनेट दैट आप ये डोर जो है ये ओपन कर लोगे, क्योंकि पांच चाबियां हैं, पांच ही चांसेस हैं, तो आप डेफिनेटली ये दरवाज़ा ओपन कर लोगे. तो इट इज़ लुकिंग लाइक सम एनर्जी इज़ गोइंग टू ओपन फॉर यू. हम सबके लिए, आपके लिए कोई ना कोई एनर्जी जो है ओपन होने वाली है. और आपका पैशन कितना है, आप कितने पैशनेटली उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो, वो हेल्प करेगा. और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेगा, मतलब आपका पैशन जो है वो बहुत कुछ चेंज करेगा आपके लिए आज के दिन की एनर्जी में. आपका पैशन जो है बहुत कुछ नया, नई एनर्जी या नई बिगिनिंग आपके लिए लेकर आ सकता है, नई लर्निंग भी लेकर आ सकता है. हर्मिट की एनर्जी लर्निंग की एनर्जी भी होती है. और ये जो एनर्जीज हैं ये सेलिब्रेशन, मोमेंटम, गैदरिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक साथ आना, किसी तरह का ऑफर, किस तरह के डेस्टिनेशन पर पहुँचना, ये एनर्जी बताता है. और ये बोलता है कि एक टाइम है जहाँ पर आपको, जहाँ पर जिस भी चीज़ के लिए बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एक मिनट के लिए आप थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा रुकें, वेट करें, अपने आसपास देखें और देखें कि आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे करना चाहते हो, आप क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कैसे आप उसको यूज़ करना चाहते हो. और नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले टेक दैट गाइडेंस. और वो गाइडेंस जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपके ड्रीम्स, आपकी इंट्रोस्पेक्शन, आपकी कंटेम्पलेशन, आपकी ट्रस्ट जो है वो आपको आगे लेकर जाएगी. एंड दिस इज़ बेसिकली सेइंग कि अगर आपका आपके पास आपके ऊपर भरोसा है तो आप एक कदम रुक कर बस ये देखिए कि क्या है, कहाँ है जहाँ पर आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, कहाँ ऐसी जगह है, कहाँ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और उस एनर्जी में क्या ऐसा है जो आप कर सकते हैं जिससे वो डिसअपॉइंटमेंट जो है चेंज हो जाए. क्रिएटिविटी अपनी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की एबिलिटी अपनी, डिफरेंसेस देखकर भी एक साथ मिलकर आगे चलने की एबिलिटी अपनी, इन सब एबिलिटीज़ को आपने इस दिन यूज़ करना है और बहुत हेल्पफुल रहेगा. और हर्मिट टाइम आउट बोलता है, और हर्मिट बोलता है इट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोस्पेक्ट, इट इज़ नेसेसरी टू थिंक अबाउट योर ओन ग्रोथ, इट इज़ नेसेसरी टू रीन्यू, रीट्रीट, और अपनी लाइफ के बारे में प्रस्पेक्टिव चेंज करना. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन कुछ ऐसे चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, कुछ ऐसे मोमेंटम आएगा आपके लाइफ में, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन आएंगे आपके लाइफ में जो आपको बोलेंगे एक मिनट रुको, सोचो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या ड्रीम्स हैं, क्या मैनिफेस्ट करना है. और अगर आप बिल्कुल अच्छे से उन चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, समझेंगे, तो एक नई नया रास्ता आपके लिए खुलेगा, एक नई स्पिरिचुअलिटी, एक नया पाथ, एक नई गाइडेंस आपके लिए ओपन होगी. तो बहुत ब्यूटीफुल दिन है. अगर हेल्थ के लिए मैं अगर बात करूं तो आपने हार्मोनल हेल्थ तो है ही है, वो चल ही रहा है लगातार. तो मुझे लगता है वेदर की वजह से, थॉट्स की वजह से, बहुत सारी डाइट की वजह से हमारे हार्मोन्स डेफिनेटली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं. तो हार्मोनल हेल्थ तो है ही है जिसका आपको ध्यान रखना है. बट उसके अलावा ट्रैवल करते हुए आपने अपने डाइट का ध्यान रखना है. दूसरा, थोड़ा सा मुझे चोट लगने की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है. स्ट्रगल नहीं करना है ओवर. अगर कोई चीज़ आपको, आप नहीं करते हो, आप नहीं खाते हो, आप नहीं, आपको नहीं सूट करती है, तो बोलना है, लेट गो करना है, और जो सही है उसके, उस पर फोकस करना है. इवन अगर आप थोड़ा सा रेस्ट पे फोकस करेंगे, थोड़ा समय अपने के साथ बिताने पे फोकस करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा. हेडेक्स हो सकती हैं तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है आपने. बट ओवरऑल एनर्जी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. कुछ ना कुछ बहुत अमेजिंग कम्युनिकेशन जो है आपकी तरफ आएगी, जो एक नया डोर खोलेगी. और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो है कि जितने चांसेस हैं उतने ही, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने चांसेस हैं उतने ही आपके पास ऑप्शंस भी हैं. तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली कहीं नहीं जाने वाली है, मतलब यू आर गोइंग टू ओपन दिस नो मैटर व्हाट, यू कांट फेल इन दिस, दैट इज़ द एनर्जी. तो अब देख लेते हैं कि इंडिया के लिए एनर्जी कैसे रहने वाली है. सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉइसेस की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोथ्स की एनर्जी है. क्वीन ऑफ सोथ्स की एनर्जी एक तरह से अथॉरिटी की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है. एजेंसीज के साथ भी हम क्वीन ऑफ सोथ्स को कनेक्ट करते हैं इंडिया के लिए. और क्वीन ऑफ सोथ्स के बाद दूसरी एनर्जी नाइन ऑफ इमोशंस है. नाइन ऑफ इमोशंस जो है वो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है. नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी बताती है, फ्लो की एनर्जी बताती है, बैलेंस की एनर्जी बनाती है, चीज़ों के एक एनर्जी, एक फ्लो में आने की एनर्जी बताती है. और लास्ट यहाँ पर 17 द स्टार की एनर्जी जो है वो चीज़ों के रिविलेशंस की एनर्जी बताती है, चीज़ों के क्लियर होने की, सामने आने की, रिवील होने की एनर्जी बताती है. एक चीज़ जो मैं इंडिया के लिए बहुत श्योरली बोल सकती हूँ, समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज़ गोइंग टू बी रिवील्ड ऑन दिस डे. कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिविलेशंस जो हैं ये दिन लेकर आएगा, वो एजेंसीज के हवाले से हों या अदरवाइज़
किसी और कारण से हो, किसी और रीज़न से हो, लेकिन फॉर श्योर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिविलेशन की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और बहुत बहुत पावरफुल है। तो जब आप क्वीन ऑफ वॉइसेस का कार्ड देखते हो तो बुक में वो कार्ड बोलता है, ऐसा इंसान जो सच बोलता है, ट्रुथ स्पीकर एंड ऑनेस्ट एंड एस्ल्यूट लीडर, विजडम, अबिलिटी टू कट थ्रू बुलशिट, क्लियर विजन, क्लियर कम्युनिकेशन, विट, इंटेलिजेंस, गुड एडवाइस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। तो यहाँ पर लिटरली वो एनर्जी है जो कि सच किसी तरह का सामने आना, किसी तरह का ऑनेस्ट ओपिनियन, किसी तरह की जो गलत चीज़ें हो रही थी उनको कट ऑफ करना, इंटेलिजेंस से किसी तरह की लीड आना, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो है उसको साथ में लेकर जाना। तो वो जो एनर्जी है मुझे इंडिया के लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है एंड इट इज़ लुकिंग लाइक इंडिया कुछ बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने वाला है। उस सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के साथ कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जहाँ पर यूनिवर्स जो है हेल्प करेगा, मैनिफेस्टेशंस जो हैं होंगी, रिवॉर्ड्स आएंगे किसी चीज़ के, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को उसके सच का रिवॉर्ड भी मिलने के चांसेस जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं इस दिन 8th को। और ऐसा लग रहा है कि कोई डेफिनेटली किसी की होप रिन्यू होगी, एक्सपेक्टेशंस या पॉजिटिविटी जो है वो ड्राइव करेगी, सिचुएशंस जो हैं ऑप्टिमिस्टिकली चेंज होंगी। तो इंडिया के लिए मुझे एक्चुअली अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज के थ्रू या किसी एक्शन के थ्रू, किसी लीडरशिप के थ्रू कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो एक्चुअली एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा बिगिनिंग लेकर आएगी ना। यहाँ पर मुझे एक और क्योंकि स्टार की एनर्जी है तो दिस कुड बी लिटिल स्टार्स आल्सो एंड दिस अ ट्रूथ अबाउट अ स्टार माइट बी कमिंग इनटू लाइमलाइट। तो वो एक एनर्जी जो है वो भी पॉसिबल मुझे लग रही है जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारा इंटेलेक्ट, बहुत सारी नॉलेज भी इन्वॉल्व होगी, बट डिवाइन इंटरवेंशन भी इन्वॉल्व होगी। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली एजेंसीज के एक्शंस दिखाई देंगे, बहुत सारी इमोशनल एनर्जी का फ्लो दिखाई देगा, ट्रुथ दिखाई देगा, लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दिखाई देंगे और समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग इनटू लाइट वो दिखाई देगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड के लिए, तो वर्ल्ड के लिए म्यूज ऑफ इमोशंस, किंग ऑफ कप्स। मैं किंग ऑफ कप्स को याद ही कर रही थी और पता नहीं क्यों आज की एनर्जी में रेलेवेंट लग रहा था। तो म्यूज ऑफ इमोशंस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है और यहाँ पर फोर ऑफ इमोशंस है, दिस इज बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे किसी को किसी तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, पॉसिबल है। वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर इमोशंस को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई हो या किसी तरह से एक तरह से पीसफुल चीज़ों को मूडीनेस में चेंज करने की कोशिश की गई हो, शैडो एनर्जी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई हो, जो हमने ऑलरेडी देखा है कि की गई है, राइट। तो वहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, अपॉर्चुनिटी जो है वो एक तरह से लॉस में बदल सकती है। तो एक एनर्जी तो मुझे ये दिखाई दे रही है वर्ल्ड के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे कहीं इमोशंस या कहीं वाटर एनर्जी जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहने वाली है। तो वर्ल्ड लेवल पे इमोशंस की एनर्जी भी इन्फ्लुएंशियल रहने वाली है, जहाँ पर कुछ लीडर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें या वो इन्फ्लुएंस हों या फिर कुछ जो इन्फ्लुएंस करने गए थे उनका इन्फ्लुएंस फेल हो जाए और एनर्जीज जो हैं अपने फ्लो में वर्क करें। बट यहाँ पर मुझे वाटर एनर्जी की थोड़ी सी वो दिखाई दे रही है और एक इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी लीडर को किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस क्या है, गाइडेंस है गाइड एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी है, यू सी हर्मिट की एनर्जी। और वो बोलता है डिवाइन लाइफ का नेचर, रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डिवाइन इन लाइफ एंड इन योर सेल्फ। आपके अंदर भी डिवाइन है, जिंदगी में भी डिवाइन है, उस डिवाइन को समझना, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप प्लेसेस फिनेंशियल गेन और कंट्रोल जो है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं लेके जाना है। आपको स्पिरिचुअलिटी, आपकी इनर वॉइस जो बोलेगी उसको ज़रूर सुनना है। अगर आप अपने फिनेंशियल गेन या लाइफ को कंट्रोल करने के जो आपकी इच्छा है उसको आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, तो फिर आपको लेसन भी मिल जाएगा। मुझे डेफिनेटली गाइड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और जिस तरह की एनर्जीज हैं इस दिन में, मुझे लगता है दैट सम स्ट्रॉन्ग एक्शंस एंड सम स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटरवेंशंस आर गोइंग टू हैपन इन दिस डे। और वो है कि वो एनर्जीज उस तरह से ही फ्लो करेंगी। आई जस्ट थिंक ऐसा लगा जैसे आपको एग्जाम देना है। इन द मीनवाइल
अगर आप रीडिंग्स टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट मतलब मेंबरशिप चैनल की ले सकते हैं। दो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, कैसे करना है क्या करना है, मेंबरशिप ले सकते हैं। और मेंबरशिप के थ्रू मैं 10th से क्लासेस शुरू करूँगी, तो आप क्लासेस ले सकते हैं टैरो रीडिंग की और सीख सकते हैं। और ख़ुद की रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए शाम जो है वो क्या है। और मेरे हाथ में दो चांस आ गए हैं, क्या है? वाओ, दिस इज की एंड लव, लव इज द की एंड यू नो द की हर्मिट। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और प्यार की चाबी से हर ताला खुल जाएगा। लिटरली वही एनर्जी है, प्यार की चाबी से हर ताला खुल जाएगा। प्यार से बोलेंगे सारे काम होंगे, प्यार से बोलेंगे सारी एनर्जीज वर्क करेंगी, इमोशंस बैलेंस रखेंगे, प्यार से बोलेंगे बड़े से बड़ा जो जंग है उसको भी जीत लेंगे। सो लव इज़ द की फॉर एवरीथिंग टुडे, तो याद रखिएगा लव इज़ द की। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अगर वीडियो आपको रेजोनेट करे तो और लोगों से शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।